सो वेलकम बैक गाइस, स्वागत है आपका मेरी एक और नई वीडियो में। पिछली वीडियो में हम लोग ये लेके आए थे, हमको ये बो मिल गया था और ये हैंग ग्लाइडर मिल गया था। लेकिन अब ये हैंग ग्लाइडर उड़ाने के लिए मेरे को थोड़ी ऊंचाई वाली जगह से ऐसे कूद के ऐसे ग्लाइड करना पड़ता है। अब यहाँ पे तो हमारे बेस पे कोई ऊंचाई वाली जगह है नहीं, तो आज हम लोग बनाएंगे एक रैंप बनाएंगे जिससे हम लोग इजीली वहाँ से कूद के ये उड़ सके। मैंने यहाँ पे बहुत सारी ये वुड वुड भी जमा कर लिया, मैंने बहुत सारी लकड़ियाँ जमा कर ली है, इससे हम लोग बनाएंगे अपना। लेकिन अगर आपको नहीं बनाना तो नॉर्मली भी आप कर सकते हो। अगर जैसे मैं ये वाला हैंग ग्लाइडर ले लूँ और यहाँ पे आपके पास है एक स्प्रिंग ट्रैप है, ये टर्टल सेल से बन जाएगा, आपको बस इस पे आना है और ये आपको ऐसे लॉन्च कर देगा, फिर आप ऐसे करके टेक ऑफ कर लोगे। पर ये ज़्यादा दूर नहीं उड़ा पाएगा आपको, नीचे नीचे उड़ाता है, तो इसीलिए मैं इसको थोड़ा ऊँचा बनाऊँगा जिससे मैं ईजिली उड़ सकूँ। बाकी आपके पास ये वाला ऑप्शन है। और अभी एक बग भी चल रहा है कि अगर मैं ऐसे नाइट भी उठा लूँ और इसके ऊपर चढ़ जाऊँ मैं, उसके बाद ये अगर ले लूँ, अब क्या होगा देखते हैं। अब मैं चलता हूँ अपने ट्रैप पे और इसको हम लोग रीएक्टिवेट कर देते हैं। अब देखो, अब मैं अगर इसके ऊपर जाऊँगा तो ये देखो मेरे को कितना ऊँचा उछाल देगा। अब बस सिंपली डबल टैप करेंगे और यहाँ से हम लोग ऐसे टेक ऑफ कर लेंगे। अभी के टाइम पर रैंप बनाने की कोई ज़रूरत है ही नहीं, क्योंकि ये हमें बिल्कुल आसमान में उछाल के रख देता है। लेकिन मेरे को तो लगता है कि ये बग है, क्योंकि इतना थोड़ी ना उछालना चाहिए, जबकि स्कूटी के साथ हमारा वज़न भी ज़्यादा हो जाना चाहिए। तो इसलिए हम आज रैंप बनाएंगे कि अगर ये बग फिक्स भी हो जाए तो हमारा अच्छे से काम करे, और ना भी फिक्स हो तभी भी हम इससे ज़्यादा ऊँचा तो उछाल ही जाए। ओके, तो रैंप बनाने के लिए इसको साइड करते हैं। अब हम चलते हैं अपना रैंप बनाने। अब मैं यहाँ से वुड ले लेता हूँ, मैं अपने बेस से इसको बाहर बनाऊँगा। मैं सोच रहा हूँ इसको बनाऊँगा मैं यहाँ पे। यहाँ पे तो हमें पहले सिंपली ऊंचाई चाहिए। मैं यहाँ पे हम लोग इसको ऐसे लॉग लगा देते हैं, देखते हैं सीधा है कि नहीं है। ये तो इसमें चला जाएगा, इसको हटा देते हैं यहाँ से। थोड़ा सा और इधर आना पड़ेगा हमें। हाँ, ये ठीक लग रहा है। अब यहाँ पर इसको हमें बॉक्स बना देते हैं। अब ऐसे ही करके मेरे को यहाँ पे एक टावर सा बनाना है और इसी के ऊपर सीढ़ियाँ बनानी है, रैंप बनाना है, सीढ़ियाँ नहीं बनानी है, कि हम अपनी स्कूटी लेके चढ़ सकें और बहुत ज़्यादा ऊंचाई पे जा सकें। तो अगर आपके पास ये ग्राउंड ऐसे बराबर में है तो आप नॉर्मली बना सकते हो। अगर आपके पास ग्राउंड नॉर्मल नहीं है, ऊबड़ खाबड़ है, जैसे यहाँ साइड में अगर मैं आपको दिखाऊँ, इधर साइड में देखो ये ऊबड़ खाबड़ है, ये देखो कैसा है। अगर आपके पास ऐसा है तो आपको पूरी आउटलाइन बनाने की पड़ेगी, पहले ऐसे ऐसे करके आपको पूरी आउटलाइन बनानी पड़ेगी, फिर इसके ऊपर बनाना पड़ेगा। लेकिन अब मेरा तो बिल्कुल सिंपल और प्लेन है, तो मैं नॉर्मली बना दूंगा इसके ऊपर। ऐसे करके हम इसको इस टावर को बनाएंगे। अब मैंने वुड तो बहुत सारी ले रखी है, पता नहीं कितनी लगेगी। मेरे पास करीबन 12 ये लॉग वाले हैं और वो भी फुल पड़े हैं। अब इधर ले लेते हैं। अब इसको हमको ऐसे कर करके ऊपर बनाना है। 5 ब्लॉक में सोच रहा हूँ, 5 ब्लॉक ऊपर बना लेता हूँ इसको। ये देखो, अब ये एक बॉक्स हो गया। अब हमें क्या करना है, अब रैंप इसका इसके साथ ही में बनेगा। ऐसे करके हम लोगों ने ये बना दिया जिससे हम इसके ऊपर भी जा सके और बना सके, और ऐसे साथ साथ में ये बनते चलेगा। और लेते हैं लॉग, मैं आपको करके दिखाता हूँ कैसे होगा। अब मेरे को यहाँ पे एक बॉक्स और बनाना है। अरे ये कहाँ लग गया, उठा ले भाई। ओके, ये लगा दिया हमने इसके ऊपर। ये ज़्यादा हार्ड नहीं है पर काम बहुत आएगा हमारे। ये देखो गाइस, अब मैंने यहाँ पे ये दो ब्लॉक बना दिए हैं। अब ये दो ब्लॉक ऊपर हो गया, तो अब मुझे क्या करना है, इसको यहाँ पर जाऊँगा तो मैं इसको इस कुंडे को ऊपर कर देना है, और नॉर्मली फिर से मेरे को ये साइड में एक ऐसे करके लगा देना। आ जा भाई स्नैपिंग पॉइंट। अरे भाई आ जा यार, टिक जा, ये रहा। अब ऐसे बना दिया मैंने इसको, और फिर एक लॉग लूँगा और इसके ऊपर ऐसे करके ऐसे लगा दूँगा। अब इस तरह कर करके मुझे 5 ब्लॉक ऊपर बनाना है। बाद में हम लोग ये सब हटा लेंगे, मैं दिखाऊँगा आपको कैसे हटाना है जिससे आपके कुछ लॉग्स बन सकें और अच्छा भी दिखे। ऐसे तो पूरा ब्लॉक ही फील आ जाएगा उसमें।
तो ऐसे ऐसे कर करके मुझे इसको 5 ब्लॉक ऊपर तक बनाना है। अब जितना आप आगे तक जाओगे ये आपको उतना ही बार बार लेयर ऐसे आगे बढ़ानी पड़ेगी। देखो अगर मैं आता हूँ यहाँ पे तो ये हो गया ऐसे, और यही मैं बता रहा था अगर ये आपका ग्राउंड सीधा ना हो तो आपको ऐसे सीधे लाइन बनानी पड़ेगी, इसी लाइन पे वो बनता जिससे वो बिल्कुल इक्वल हो जाता, ये अपने आप उठ जाता है अगर जहाँ ग्राउंड ऊंचा नीचा होता अपने आप ये लॉग उठ जाते हैं। तो हमारा सही है तो हम ऐसे बनाते हैं। अब मैं अपना तीसरा फ्लोर बनाता हूँ। अगर आप चाहो तो भी इसके बीच बीच में लकड़ियाँ रख सकते हो स्टार्टिंग से ही, या बनाते जाओ टावर स्टार्टिंग से सीधे लकड़ियाँ रखते जाओ, लेकिन उससे बहुत ज़्यादा लकड़ियाँ लग जाएंगी। अब मेरे को ये फंक्शन के लिए चाहिए, सुंदर नहीं दिखना चाहिए इसको, ऐसे सुंदर दिखेगा आपको लेकिन हमको तो बस फंक्शन से मतलब है, कुछ और चीज़ से कोई मतलब नहीं है। अब यहाँ पे देखो गाइस, यहाँ मेरा लगभग ये 3 ब्लॉक ऊपर हो गया है, अब मुझे और उठाना पड़ेगा। तो मैं एक बार फिर से आपको दिखा देता हूँ, ऐसे करके मैं बढ़ाऊँगा यहाँ पे 1 ब्लॉक और लॉग लेते हैं थोड़ा सा, ये ऐसे ऊपर आ गया। अब ऊपर भी हमको ये ऐसे सेम करना पड़ेगा, जितना लेयर आप ऊपर चाहो उतना जा सकते हो, बस यहाँ आओ फिर 1 बढ़ाओ और इसके बीच में फिर से 1 लगा दो, क्योंकि हमें सीढ़ी जैसा नहीं बनाना है, हमको सीधे रैंप जैसा बनाना है, जैसे रूफ होती है ना एक साइड की वैसे बनाना है हमें। आपको सीढ़ी जैसा बनाना है तो आप नॉर्मली भी बना सकते हो, देखो ऐसे आए और ऐसे, बस आपको ऐसे कर करके एक एक नीचे से कर करके ऊपर उठाते चलना है और ऐसे बनाते चलना है। तो चलिए मैं सीधे पहले 5 ब्लॉक ऐसे बना लेता हूँ। ये देखो गाइस इसकी गर्दन कैसी उड़ी है यहाँ पे। ओके ये देखो गाइस यहाँ पे मैंने बना दिया है 4 ब्लॉक ऊंचा बना दिया है। अब मैं ऐसे करके मेरे को ऐसे बनाते जाना है। आप चाहो तो ऐसे सीढ़ी जैसे डिज़ाइन बना सकते हो, लेकिन मेरे को ऐसे सीधा बनाना था तो मैं सीधा बना रहा हूँ, नहीं तो आप अगर सीढ़ी जैसा बनाना चाहते हो तो ऐसे ऐसे करके बीच बीच में छोड़ सकते हो, उससे कोई इशू नहीं है, थोड़ा प्लेटफॉर्म जैसा हो जाएगा। लेकिन अब मेरे को बनाना है बिल्कुल रैंप जैसा, तो हम लोग सीधे ऐसे ही बनाएंगे। सो गाइज मैंने फाइनली यहाँ पे ये देखो 5 ब्लॉक ऊपर बना दिया है यहाँ से, 1 2 3 4 5, ये देखो अभी ये कुछ ऐसा दिख रहा है, ये ब्लॉकी ब्लॉकी सा दिख रहा है लेकिन ये ज़्यादा अच्छा दिख नहीं रहा। तो अब हमें क्या करना है, हमें चाहिए एक लॉग चाहिए, मैं एक लॉग ले लेता हूँ फटाफट यहाँ से। इतने सारे थे, सारे के सारे खाली हो गए, लगभग यहाँ पे 100 के करीब थे लॉग्स। अब मैं इसको यहाँ छोटे छोटे टुकड़े कर देता हूँ इसके, अब इनको मैं हाफ हाफ पीसों में बांट देता हूँ। अरे भाई ये रहे, अब हो गए ये हाफ पीस हो गए। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे इसको सपोर्ट दे देना है ऐसे करके। अब ऐसे किया आपने और ये हो गया सपोर्ट। अब इससे आप क्या कर पाओगे, यहाँ से ये लॉग्स निकाल पाओगे यहाँ से ऐसे करके, ये निकल गए हमारे कुछ लॉग्स बच गए। बेसिकली आपके 2 लॉग बचते हैं यहाँ से, अगर आप 5 का बनाते हो ऐसे में तो 2 बचते हैं, क्योंकि एक तो आप मान लो कट गया तो 2 बचे आपके। और ऐसे आप ऊपर भी कर सकते हो, यहाँ से पहले 1 लगा लो ऐसे साइड से, ऊपर आपका लगभग 1 ही 1 लॉग बचेगा, उसके बाद आपको करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जितना बचेगा नहीं आपका उतने से ज़्यादा मेहनत हो जाएगी इससे ज़्यादा ऊपर करोगे। तो आपने ऐसे लॉक लगा लिए, अब चाहो तो आप ऐसे ऐसे करके ये दोनों निकाल सकते हो, लेकिन ये फिर मेरे को अच्छा नहीं लगता, दोनों साइड से एंगल रहता है तो अच्छा लगता है। ये देखिए और 2 लॉक बच गए मेरे को, अब इससे ऊपर करने में कोई फ़ायदा नहीं है, ऊपर वो आपको अच्छा भी नहीं लगेगा और एंगल भी नहीं बनेगा। तो अब क्या करना है, नहीं ऊपर आपको फ़ायदा नहीं होगा, सॉरी। अब मैं इसको भी काट लेता हूँ, अब मेरे को सेम इस साइड भी वैसे ही बनाना है। यहाँ पे 1 लॉग लगाऊंगा मैं, 1 लॉग यहाँ लगाऊंगा और ये सारे लॉग निकाल लूँगा मैं। मैं चाहूँ तो 1 ही लगा सकता हूँ लेकिन वो डिज़ाइन फिर अच्छा नहीं लगता मेरे को, ऐसे दोनों साइड सेम सेम लगता है ना तो अच्छा लगता है। अब और लॉग काटे थे मैंने, कहाँ गए, ये रहा आधा एक, और अब मैं 1 इस साइड भी लगा देता हूँ थोड़ा अच्छा दिखने के लिए, बाकी कोई पर्पस नहीं है इसका। अब चाहो तो ज़्यादा ज़्यादा लॉग बचा सकते हो, लेकिन मेरे को बचाना नहीं है, मेरे को बस अच्छा थोड़ा ठीक ठाक दिखे, ऐसा हो गया। अब इसको निकालते हैं और सेम उस साइड भी ऐसे कर देते हैं। अब देखो गाइस मैंने सेम दोनों साइड वैसे कर दिया है,
अब यहाँ से थोड़ा ये खाली खाली भी दिख रहा है, पूरा ब्लॉकी ब्लॉकी भी नहीं दिख रहा है, और मेरे कुछ लॉक्स भी बच गए। अब चाहूँ तो मैं ऊपर एक एक सिंगल सिंगल लगा के एक एक लॉक बचा सकता हूँ, लेकिन उसके ऊपर फिर मेरे को स्कैफोल्डिंग बनानी पड़ेगी यहाँ से ऊपर तक, तो उसके लिए बहुत मेहनत है, तो उतना फ़ायदा नहीं है। एक लॉक के लिए आप उतना मेहनत करो वो फ़ायदा नहीं है। अब क्या करना है, अब हमें यहाँ सब पे पूरे पे रैंप बनाना है। अब मेरे को ऐसे लॉग ले लेने, और मेरे लॉग तो सारे लगभग ख़त्म हो गए हैं, और फिर मुझे इनको काटते जाना है। ये ऑप्शन आ गया, ये रहा। अब ऐसे कर करके मुझे पूरे यहाँ से वहाँ तक मेरे को ये फिल कर लेना, तो मैं फटाफट इसको फिल कर लेता हूँ। गाइस यहाँ पे मेरे बेस पे कैनिबल्स का अटैक हो गया, ये देखो सारे कबूतर आ गए हैं। तू मर पहले, ये ख़त्म वन हेडशॉट में। ये देखो ये हीरो बन रहा है, चल निकल जा यहाँ से। ओके आ जा आ जा आ जा, बस मिस कर गया। ओए ओए हेलमेट था इसके पास। वो देखो वहाँ पे किसी ने ट्रैप भी मेरा ऑन कर दिया, जल फूक गए वहाँ पे सारे। अरे भाई रुक जा, क्या कर रहा है, तेरे को भी मिलेगा। ये ख़त्म, मेरा एरो दे दे भाई, कैसे नहीं आ रहा है, यहीं तो खड़ा हूँ मैं। आ जा एरो। अच्छा ये आएगा, ले भाई मेरे को पकड़ भी नहीं सकता। ये भग गया, सही है। एरो उठा ले यार एरो। चलो छोड़ो यार, एरो नहीं ले रहा ये। क्या करता हूँ इसको, मैं एक बार ऐसे उठा लेता हूँ, एरो हट जाएगा। ओके अब देखते हैं कोई बचा है कि नहीं, आधा तो हमारे बेस के डिफेंस ही उड़ा देते हैं सबको। ये देखो सारे ख़त्म हो गए, इसका भी एरो लेते हैं। यहाँ पे एक जल भी गया कोई सा, गुड। ट्रैप वापस ऑन कर देते हैं। कोई बचा है अब? अब कोई नहीं बचा है, सही है। वर्जीनिया वहाँ भाग रही है, ये नहीं हमारी रक्षा करें, हमारे रैंप बनाने में मदद करें। गाइज मैंने एक और चीज़ देखी है, ये देखो अगर मैं यहाँ पे आऊँ इसके पास, और मैं अगर केविन को यहाँ करूँ, क्या आता है, टेक आइटम, मेरे को अभी पता चला ये, अगर टेक आइटम करूँ तो मैं इसको ये ड्रेस दे सकता हूँ, जितनी ये ड्रेसें मिली है ना हम इसको पहना सकते हैं। ये देखो ये देखो, ये पजामा पहन लिया इसने, ये टक्सीडो पहन लिया, ये वाली ड्रेस है, और ये तो नॉर्मल इसकी जो ड्रेस है। हम क्या करते हैं इसको ये टक्सीडो पहना देते हैं, अच्छा दिख रहा है ये। ये देखो अब देखो कितना मस्त अपना लौंडा हीरो बन गया है, मना कर रहा है कि मैं हीरो नहीं हूँ। अब हीरोइन के लिए भी है हमारे पास, लेकिन पता नहीं हीरोइन कहाँ गई, हीरोइन भाग गई। अब मेरे को ऐसे करके इसके ऊपर सारा ये रैंप बनाना है। चलो यहाँ से बनाते हैं। ओके गाइस तो अब देखो, अब मेरा ये सारा बन गया है, मैंने ऊपर से लेके ये पूरा ये नीचे तक ये सारा रैंप बना दिया। ये देखो कितना मस्त लग रहा है ये। अब हम इससे तो नॉर्मली भी कूदे तो 5 ब्लॉक ऊपर से ही कूदेंगे, लेकिन हमें क्या करना है, अब अभी तक तो वो ग्लिच चल रहा है, तो अभी तक तो मैं उसका पूरा यूज़ करने वाला हूँ। पहले लूँगा मैं ये टर्टल ट्रैप, और इसको ले जाके हम लोग लगा देंगे सीधे टॉप पे। यहाँ लगा देते हैं हम लोग इसको, थोड़ा सा घुमाते हैं और यहाँ लगा देते हैं, ये हो गया। अब हम कर लेते हैं अपनी टेस्टिंग करते हैं, कहाँ गया, ये रही हमारी बाइक। पहले हमें सबसे पहले बाइक पे बैठना है, फिर चाहिए हमें ये हैंड ग्लाइडर, और अब क्या करना है, अब चलना है हमें सीधे ऊपर। क्या अभी तक तो ये बग चल रहा है, नहीं तो बग नहीं चलेगा तो बिना स्कूटी के ही करूँगा मैं ये। अब देखो ये ऊपर आए, ओ भाई ज़्यादा ऊपर, ज़्यादा ऊपर आ गए क्या। अरे भाई मैं सीधे उस साइड से इस साइड कूद गया, सॉरी। वापस चलते हैं एक बार हम लोग, यहाँ पे थोड़ा स्लो हो जाना है, नहीं तो उछाल देता है। ये ट्रैप हो गया ऐसे, अब देखते हम लोग। अब डबल टैप किया हमने और ये हो गया हमारा फ्लाइंग स्टार्ट। ये देखो गाइस अब कितना इजी है ये, अब नीचे आना है थोड़ा सा हमें, और फिर से ऊपर चलते हैं। अभी हम लोग लगभग पेड़ों की हाइट से ऊपर आ गए हैं, लेकिन एक बार और कर लेते हैं इसको, डाइव मारते हैं।
वो तेरी जान जमीन के पास है, वो बच गए। ये देखो गाइस, ये हम लोग कितना ऊपर आ गए अभी दो ही बार में। अब बस ऐसे करके मैं धीरे धीरे करके पूरे आइलैंड पे ऐसे करके हम लोग घूम सकते हैं। ऐसे नॉर्मली अब जाओ और घूमते रहो पूरे आइलैंड पे, कोई दिक्कत नहीं है। ये देखो गाइस हम लोग कितने अच्छे से उड़ रहे हैं। अब नीचे उतर जाता हूँ मैं एक बार। ओके, हम नीचे उतर गए और हमारी स्कूटी भी यहीं कहीं ऐसे ही पड़ी होगी। अब हमें उसे ढूंढ लेना है, क्योंकि क्या होता है मैंने देखा है इस गेम में, अभी जैसे मैं कूदा ना तो मेरी स्कूटी का ये लोगो गायब हो गया होगा। ये देखो ये सब दूसरी अलग अलग स्कूटियां हैं, मतलब नाइट वी है ये, देख सकते हो पूरे मैप में। अगर मैं दिखाऊँ आपको, ये देखो पूरे मैप में ये कैसे है, क्योंकि जब मैं ये ग्लाइडर लेके उड़ा हूँ मैं पिछली बार पूरा आइलैंड का चक्कर काट के आ रखा हूँ, तो उसमें क्या होता है कि मैं जब जब डाइव मार के इनके ज़्यादा पास जाता हूँ ना नाइट वी के, तो वो लोग मैप में अपेयर हो जाता है, फिर हमेशा वहीं रहता है। तो मेरे ये पास में भी है, यहाँ पे एक सीधे इस डायरेक्शन में नाइट वी का लोकेशन है, और बाकी बहुत सारा है। हमें उतनी दूर जाके लेने की स्टार्टिंग पहले वाले में जाके जरूर थी ही नहीं, इधर पास में ही है। अब जैसे जैसे डिस्कवर करोगे आपके लिए उतना ईजी हो जाएगा। तो इस तरह से गाइज मैं ऐसे बहुत ऊँचाई तक कूद सकता हूँ और आराम से कहीं भी हम लोग ट्रैवल करके ईजिली लोकेशन पे जा सकते हैं। चल के नहीं जाना है या फिर बाइक चला के नहीं जानी है। अब देखो यहाँ पे वर्जीनिया घूम रही है, इसको भी कुछ कपड़े पहना देते हैं। रुक जा भाई, इसके मेरे पास दो ही कपड़े हैं, एक तो ये है और एक ये वाला है। ये वाला सही लग रहा है, इसी को रखते हैं। ये देखो ये भी सुंदर हो गई, ये भी भाई अपना जेंटलमैन बन गया। ये बन गया हमारा ग्लाइडर का वो जंप पैड। और गाइज एक चीज़ और, अभी मैंने शायद आपको बताया नहीं, मेरे को सबसे पहले बेस के अंदर चलना पड़ेगा। बेस के अंदर चलते हैं, इधर से तो मैं जा ही नहीं सकता, ये खुद के ट्रैप मेरे को भी रोक लेते हैं। इसको मैं वापस रीडू कर देता हूँ कि कोई किसी ने इसको ट्रिगर कर दिया था। अब यहाँ से अगर मैं कूद के अंदर चलूँ और आपको ऊपर ये चीज़ दिखा देता हूँ, ये जो है रेन कैचर, ये जो है जो पानी कैच करता है रेन जब होती है, तो ये क्या होता है विंटर के सीज़न में ये भी फ्रीज हो जाता है, तो इसका कोई यूज़ है ही नहीं। ये पता नहीं मैंने किस लिए बनाया था, मेरे को लगा कि विंटर के सीज़न में लेक तो फ्रीज होती है वो नहीं होगा, तो फिर लेकिन वो भी फ्रीज हो जाता है तो कोई काम का है नहीं, तो गर्मी में तो इससे भी मैं पी सकता हूँ। सो गाइस ये हमारा ये फाइनली बन के रेडी हो गया और अच्छी तरह ये काम भी कर रहा है। हमारा जंप पैड बोलते हैं इसको हम लोग, शायद जंप पैड अच्छा नाम है, जंप पैड हमारा अच्छे से काम कर रहा है। अब मैं सोच रहा हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में यहाँ से जिप लाइन लेके सीधे उस माउंटेन तक, ये अब मैं अगर पॉइंट करूँ इससे तो सीधे उस माउंटेन तक, मेरे को लगता है कि मेरे को जिप पॉइंट बनाना चाहिए, उसके ऊपर एक छोटा सा बेस भी बनाना चाहिए हल्का सा, जिससे मैं कि अगर ये ग्लाइडर है जहाँ पे एक पे, हम लोग यहाँ से लॉन्च करके तो चले जाएंगे जहाँ हमें जाना है, लेकिन वहाँ पे अगर ऊंचाई नहीं रही तो वापस कैसे आएंगे हम लोग, तो ये बात है। तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि सीधे यहाँ से ग्लाइडर के जहाँ तक लोकेशन है मैप में, वहाँ तक मैं सीधे एक जिप लाइन बनाऊँ और एक बेस बनाऊँ। तो वो लोग हम करेंगे शायद किसी और एपिसोड में करेंगे। तो आज के लिए गाइस इतना ही, अब मिलूंगा मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।